अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारिस बिन अशरफ है। मैं कराची पाकिस्तान का रेजिडेंट हूँ और एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। 20 अप्रैल 2016 पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान से 5 स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू सेलेक्ट किया, जो कि पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे एट एशियन साइंस कैंप 2016। एशियन साइंस कैंप एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें नोबल लॉरिएट्स और दुनिया भर के रेनाउंड साइंटिस्ट आएंगे और पूरे एशिया के टॉप 200 स्टूडेंट्स के साथ उनका इंटरेक्शन होगा, डिस्कशन होगा। ये एक बहुत बड़ा साइंस का इवेंट है और ये इस साल ऑर्गेनाइज हो रहा है बेंगलोर इंडिया में विद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस इवेंट की डेट्स हैं 21 से 27 अगस्त 2016 और आज की डेट है 20 अगस्त 2016। तो मकसद कहने का ये है कि हमें सेलेक्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान को। हम एज ए डेलीगेशन, हमने तमाम लोगों ने 2 महीने पहले अपना पासपोर्ट और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स, तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी करके पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन को सेंड कर दिए थे एग्जैक्टली 2 महीने पहले। और अब तक वो पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन वाले हमें बताते हैं कि आपका केस अभी तक इंटीरियर मिनिस्टर के पास है, चौधरी निसार अली खान साहब के पास, और जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे तब तक आपके वीज़ाज अप्लाई नहीं हो सकते। तो हमारी सोशल मीडिया पे बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन वाले या फिर इंटीरियर मिनिस्टर वाले, जहाँ भी अभी फाइल है, वो इसको फ़ौरन से ऑन एन इमीडिएट बेसिस अगर प्रोसेस कर दें तो पाकिस्तान इस बहुत बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकेगा। अदरवाइज़ फिर हमारी यूथ की और पाकिस्तान की डेलीगेशन इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगी, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा और पूरे पाकिस्तान के लिए ह्यूमिलिएशन का बाइस होगी, जो हम नहीं चाह रहे हो। हम चाह रहे हैं पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे करें वहाँ पे जाके। तो काइंडली हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इस पर नेसेसरी एक्शन लें और जल्द अज जल्द हमारे डॉक्यूमेंट्स इंडियन हाई कमीशन तक पहुँचाएँ ताकि वो हमारे वीज़ा स्टैम्प कर सकें। उसके बाद फिर मैं इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान मिस्टर गौतम बॉम्बे वाला से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको जब हमारी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स बने तो काइंडली इनको अपॉन रिसिप्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आप इसको वीज़ा स्टैम्प कर दीजिएगा ताकि हम इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकें। हम ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और PSF वाले भी हमें ये बताते हैं कि आपकी जो क्लियरेंसेज आनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज से वो भी आ चुकी हैं। तो फिर अब बात यह है कि सिर्फ एक डिले क्रिएट हो गया था किसी नेग्लिजेंस की वजह से, किसी भी वजह से, उसको अभी भी हम चाह रहे हैं कि हम इस कॉन्फ्रेंस के अगर हमें जितने भी दिन मिल पाते हैं वो हम अटेंड कर सकें ताकि हम एज स्टूडेंट्स वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पाकिस्तान एंड वी आर एम्बेसडर्स ऑफ गुडविल एंड वी आर एम्बेसडर्स ऑफ पीस। वी विश टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री with good honor and to do something for our country. We wish to prove a point that Pakistani youth is intelligent and Pakistani youth can positively impact the world. तो हमारी बस ये रिक्वेस्ट है और हम ये चाहते हैं कि रेलिवेंट अथॉरिटीज़ तक पहुँचे ताकि अगर मंडे को भी हमारा ये काम हो जाए तो फिर उसके बाद हम आराम से इस कॉन्फ्रेंस के जो भी कुछ दिन हमें मिलते हैं वो अटेंड कर सकें और पाकिस्तान की अच्छी पॉजिटिव इमेज प्रमोट करें ताकि टू प्रमोट अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट इमेज ऑफ पाकिस्तान। राइट, तमाम देखने वालों से, व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये रेलिवेंट अथॉरिटीज़ तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज अहमद शेर जमान डोगर एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड एज डेलीगेट फॉर एशियन साइंस कैंप इंडिया। द इशू इज़ एज यू नो कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने शॉर्ट लिस्ट किया था, उसके बाद हमारे रिटर्न हुए, इंटरव्यूज हुए एंड वी वर नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट एशियन साइंस कैंप इंडिया। हमें पाकिस्तान को एशियन साइंस कैंप में रिप्रेजेंट करना था, पाकिस्तान की यूथ को और पाकिस्तान के यंग साइंटिस्ट को। नाउ द इशू इज़ कि हमें 2 महीने हो गए हैं कि हमने अपनी फाइल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को सबमिट करवाई है कि हमें वीज़ा इशू किए जाएँ, बट सिंस यू नो कि दो कंट्रीज़ की आपस में टेंशन चल रही है, क्या इशूज़ चल रहे हैं, हमें अभी तक यही बताया गया है कि हमें वीज़ा इशू नहीं हो रहे, देर आर सम प्रॉब्लम्स। तो आई डोंट नो व्हाट द इश्यूज आर, बट आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
कि आपके जो भी आपस के इश्यूज हैं प्लीज़ हमारे वीज़ा के इशू को एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व किया जाए और हमें वीज़ा इशू किए जाएँ ताकि हम जाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की यूथ को और एक पाकिस्तान की यूथ को हम वहाँ इंडिया रिप्रेजेंट कर सकें। एशियन साइंस कैप में तमाम एशिया के नोबेल लॉरियट्स आ रहे हैं, वहाँ पर तमाम एशिया के यंग स्टूडेंट्स होंगे, यंग जनरेशन होंगी। ये एक बहुत अच्छा फॉरम है। अगर हमें यहाँ वीज़ा नहीं मिलते और हम यहाँ नहीं रिप्रेजेंट कर पाते तो बिलीव मी इट विल बी अ ग्रेट सेटबैक फॉर द साइंस एंड फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। सो आई विल बी रियली रियली थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इफ दे कैन बोथ डू दैट। प्लीज़ सर, पुट योर टेंशन बैक एट द होम एंड प्लीज़ डू समथिंग फॉर अस। थैंक यू।